डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा, इस समय हम लोग बोर्ड एग्जाम कैप्सूल श्रृंखला के तहत 2020 में आए हुए प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें मैं आज आपको सेट नंबर 6 के सवालों को हल कराने वाला हूँ। और आपने सवाल तो थंबनेल में देख ही लिए होंगे, जो अभी आपको स्लाइड चली है उसमें मैंने सारे सवाल आपको दिखा दिए हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सेट नंबर 6, जो आपका कोड है 824NO। अगर आपका कोई दूसरा अनसॉल्व पेपर होगा तो उसमें हो सकता है कुछ अलग हो, लेकिन कोडिंग यही रहेगी, ठीक है ना। तो आइए फटाफट हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की क्लास का आपका सबसे पहला सवाल है, इसको मैं थोड़ा सा इसके बाद लेता हूँ। पहले हम लोग चर्चा करते हैं बहुविकल्पी सवाल की एक, फिर इस पे आते हैं। तो देखिए, कहा कि कोई गोलीय दर्पण है और कोई पतला गोलीय लेंस है, मतलब एक दर्पण है एक लेंस है, दोनों की फोकस दूरियां -15 सेमी हैं। कितनी सेमी है? -15 सेमी। तो माइनस में फोकस दूरी किसकी होती है आप बताएंगे, माइनस में फोकस दूरी किसकी होती है? तो याद रख लीजिए, माइनस फोकस दूरी अवतल की होती है, चाहे वह दर्पण हो चाहे लेंस हो। और प्लस फोकस दूरी जो होती है, प्लस अगर 15 दिया होता तो प्लस फोकस दूरी उत्तल की होती है, याद रख लीजिए, चाहे वह दर्पण हो चाहे लेंस हो। ऐसे बना के याद करिएगा, माइनस फोकस दूरी अवतल की होती है, प्लस फोकस दूरी उत्तल की होती है, चाहे वह दर्पण हो चाहे लेंस हो। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, बोलिए। तो इसका पहला ऑप्शन आपका सही निकल के आ जाएगा, जिसमें आंसर है दोनों अवतल। अगर दोनों उत्तल होता तो प्लस होता, और ये तीसरे चौथे ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए, ठीक है ना, क्योंकि जो भी होगा सेम रहेगा दोनों, चाहे वो दर्पण हो चाहे वो लेंस हो, याद रख लीजिएगा। चलिए दूसरा सवाल फिर देखिए, आपसे ऐसे ही सवाल बहुविकल्पी में पूछे जाएंगे, आपको सारी चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। दूसरा सवाल देखिए, किसी बिंब, यहाँ बिंब की बात की जा रही है, बिंब का मतलब समझते हैं आप क्या होता है, बिंब बिंब का मतलब होता है वस्तु। कहेंगे ये कैसे, देखिए वस्तु की बनती है परछाई या छाया, जिसे आप बोलते हैं प्रतिबिंब। प्रति प्रति मतलब जो उस चीज से बनता है, अर्थात उसका उल्टा, ध्यान दीजिएगा। तो प्रति, तो बिंब के आगे लगाएंगे प्रति, तभी तो बनेगा ना, मतलब बिंब ही वस्तु होती है। तो बिंब का वास्तविक और समान आकार का, समझिएगा जरा, वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब बनाना है, आप वास्तविक बनाइए और समान आकार का बनाइए, तो कहाँ पर रखेंगे उस बिंब को, उस बिंब को आप कहाँ पर रखेंगे? चलिए, तो किस पर, लेंस, उत्तल लेंस की बात हो रही है यहाँ पे, तो उत्तल लेंस में आप उसको कहाँ पर रखेंगे? तो उत्तल लेंस में बहुत सारी स्थितियाँ बनती हैं, उसमें आपको उसका समान आकार बनाना है। तो समान आकार किस पर बनता था जी, 2F1 पर बनता था। किस पर बनता था? 2F1 पर बनता था। ये बात को आप उसको ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसमें किस पर आपको रखना पड़ेगा, 2F1 पर रखना पड़ेगा ना। तो क्या होगा, आप उसको 2F1 पर रखेंगे तो वस्तु का समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। F1 क्या है, फोकस दूरी है। F1 क्या है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी का दोगुना, फोकस दूरी का दोगुना, कौन सा वाला है, सेकंड नंबर ऑप्शन सही है, फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और अगर आप मुख्य फोकस पर रख देते हैं, मतलब आप F1 पर अगर रख देते हैं, तो F1 पर रखने के बाद आपको वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब मिलता है, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब मिलता है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिए। और कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। और अगर अनंत पर रखेंगे तो इसी फोकस पर बनता है, मैंने बताया था ना, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे याद करिएगा। अनंत पर रखेंगे तो मुख्य फोकस पर बनता है, परंतु F1 नहीं, दूसरी तरफ जाके F2 पर, ठीक है। याद रखिएगा, पिछली क्लास मैंने आपको एक बार लेंस पे पूरी समझाई हुई है, आप वहाँ से देख के सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ का ऑप्शन आपका कौन सा सही है, फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर, ठीक। और यहाँ पे कह रहा है लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, मतलब प्रकाशिक केंद्र सी और मुख्य फोकस F के बीच रखेंगे। F क्या, F1 कह सकते हैं, अगर उसके बीच रखते हैं तब तो यहाँ पे आपको आभासी प्रतिबिंब मिल जाता है। कैसा मिलता है, आभासी। तो अगर इसमें आभासी बोलता तो ये ऑप्शन सही होता, ठीक है ना। चलिए अब आ जाइए जरा अगले सवाल पे चलते हैं, अब इसी बात बड़े वाले सवाल पे चलते हैं। तो चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं आज का, ये मैंने कल आपको होमवर्क में भी दिया था। तो देखिए जरा, इस सवाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिरोध 10 वोल्ट, ये एक आदर्श बैटरी है जो यहाँ पे इस परिपथ में जुड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद आपको ज्ञात करना है ए और बी के बीच का प्रतिरोध। तो पहले आप ए को देखिए, यहाँ से चला ऐसे और ऐसे आया, तो इसमें दो प्रतिरोध मिल गए एक ही तार में, मतलब दोनों आपके श्रेणी क्रम में हो गए।
और यहाँ से नीचे आएंगे तो यहाँ भी तार में दो प्रतिरोध मिले, दोनों श्रेणी क्रम में हो गए। फिर जब दोनों का निकल जाएगा तो दोनों हो जाएंगे समांतर क्रम में, इसे फिर आगे हम देखते हैं। तो आइए जरा, हमको ए से बी के बीच बात कर रहा है, तो ए से बी के बीच की संरचना को एक बार बना लिया जाए। देखिए इधर ए से बी के बीच की संरचना को बना लीजिए, यहाँ से आप ले जाइए ऐसे बना लीजिए संरचना को। अब इसका चार था, इसका दो था, ये आपका दो था और ये एक था। अब इनको क्रमशः आर वन, आर टू, आर थ्री और आर फोर मान लीजिए। तो यहाँ आपने देखा, हमने इसको आर वन मान लिया, इसको आर टू, इसको आर थ्री, इसको आर फोर, ये वाला आपका आर थ्री हो जाएगा, ठीक है ना? ध्यान में रखिएगा, मैं इसको आर थ्री मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? आर थ्री। देखिए आर थ्री, अब समझ में आएगा। चलिए तो अब पहले शुरू से हल करिए। देखिए आर वन व आर टू श्रेणी क्रम में है, आर वन और आर टू श्रेणी क्रम में है, इसलिए जो उसका तुल्य प्रतिरोध होगा बताइए क्या होगा, बोलिए तो जरा। जो आपका तुल्य प्रतिरोध निकल के आएगा वो क्या होगा? आपका तुल्य प्रतिरोध, जो तुल्य प्रतिरोध निकलेगा वो निकलेगा आपका आर डैश, क्योंकि अभी पूरे का बाद में निकलेगा ना, तो पहले उसका तुल्य प्रतिरोध निकालिए। आर डैश बराबर, दोनों जुड़ जाएंगे श्रेणी क्रम में है तो सीधे जोड़ लेना है, तो क्या हो जाएगा? देखिए आर वन प्लस आर टू आ गया। अब आर वन प्लस आर टू क्या जोड़ना था? चार में दो जोड़ना था, सीधे सीधे आ गया आपका 6 ओम। फिर उसके बाद जो आर थ्री व आर फोर हैं वो भी तो श्रेणी क्रम में है, तो आर थ्री व आर फोर भी श्रेणी क्रम में है, तो जो आर डबल डैश इसका निकाल लीजिए तुल्य प्रतिरोध, इसका जो तुल्य प्रतिरोध आप निकाल लीजिए आर डबल डैश, वो कर लीजिए आर थ्री प्लस क्या? आर फोर। तो आर थ्री क्या है आपका? आर थ्री बताइए तो जरा, आर थ्री आपका था 1 ओम और आर फोर था 2 ओम, तो इसको 1 + 2 कर लीजिए, बराबर ये मिल गया आपको 3 ओम। अब उसी संरचना को एक बार फिर से बनाया जाए, कैसे? देखिए यहाँ पे आ जाइए, इसको लेकर इसको लेकर, क्योंकि अब दोनों एक साथ आ चुके हैं ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे करेंगे ए और यहाँ पे करेंगे बी, ये आपका बन चुका है आर डैश और ये आपका बन चुका है आर डबल डैश। अब कैसे देखेंगे जरा आप, पीछे मैं आपको फिर एक बार संरचना में दिखा देता हूँ, देख लीजिएगा आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जो ये है आपका, ये दोनों आपके श्रेणी क्रम में थे तो इनको हल किए तो आर डैश मिल गया, ये दोनों आपके श्रेणी क्रम में थे इनको हल किए तो आर डबल डैश मिल गया, तो ये ऊपर ये नीचे हो गया समांतर क्रम, हो गया कि नहीं हो गया? तो अब जरा देखिए कि यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं कि आर डैश व आर डबल डैश समांतर क्रम में है। किस क्रम में है जी? समांतर क्रम में है, हो गया ना? तो क्या होगा? इसलिए अब तुल्य प्रतिरोध पूरा निकल जाएगा किसके बीच? ए व बी के बीच, ठीक है? तो ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध हम निकल जाएगा, क्या निकलेगा? 1/r निकलेगा, 1/r, 1/r बराबर, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 1/r डैश प्लस 1/r डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? देखिए तो जरा, 1/r डैश आपका 6 ओम था और ये आपका 3 ओम था, तो 6 और 3 का लॉस 6 होगा, एक बार में जाएगा, ये दो बार में जाएगा, टोटल आएगा 3/6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ये सब कुछ किसके बराबर आया? 1/r। तो पलट देंगे तो r बराबर आ जाएगा 2 ओम, मतलब तुल्य प्रतिरोध आ गया कितना ओम? 2 ओम, 2 ओम आ गया ना। तो ये हमारा हो गया पहला आंसर भैया, किसके बीच? ए व बी के बीच, ठीक है। चलिए अब अगले सवाल पे चलें, देखा जाए क्या कह रहा है। परिपथ में धारा आई, ये बहुत चोर आदमी है, परिपथ में पूछा प्रतिरोध इतना ही और धारा पूरे परिपथ में पूछ रहा है, तो आप पता चला जोश में आए और यहाँ से आपने निकाला है 2 ओम, 2 ओम निकाला और उसी का आपने वी बराबर आई इंटू आर लगा दिया, हो गया? नहीं, ये गलती नहीं करनी है आपको, समझिए जरा। अभी आपका 3 ओम का प्रतिरोध बचा हुआ है, तो अब इस परिपथ को फिर से बनाया जाए, ऐसे 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 ऐसे, और ए और बी का एक बना लिया आपने, यहाँ पे ए था और यहाँ पे क्या था? बी था, और फिर यहाँ आपका आया 1 ओम, ऐसे आया तब ऐसे आया ना, समझिएगा ध्यान से। तो ये आपका 3 ओम का है और ये ए व बी के बीच जो आपका आर मिला था वो कितने ओम का मिला आपको? 2 ओम का मिला, मिला कि नहीं मिला? तो अब हल करिए आप इसको, अब हल करिए, अब समझ में आएगा आपको क्या परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो चूंकि 2 ओम व 3 ओम किस क्रम में मिले आपको? एक तार में ही मिल गए ना, श्रेणी क्रम में मिल गए आपको, किस क्रम में मिल गए? श्रेणी क्रम में।
तो इसलिए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का हम निकालेंगे, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, ध्यान दीजिएगा, तो जो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है वो क्या निकल के आएगा, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आर बराबर यहां पे निकल के आएगा, वो तो ए और बी के बीच का था, पहला सवाल खत्म। अब यहां पे जो आर निकल के आएगा वो 2 ओम और 3 ओम को जोड़ देने पर कितना आएगा, 5 ओम का आएगा। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा इतना, और परिपथ में विभवांतर कितना है, परिपथ में जो आपका विभवांतर है वो कितना है, बैटरी आपने कितने की लगाई थी, 10 वोल्ट की लगाई है। तो अब आपको इसमें धारा निकालनी है, परिपथ में धारा, किसमें, परिपथ में धारा निकालनी है आपको, क्वेश्चन मार्क। तो आप लगा लीजिए V बराबर I इंटू आर, वी है 10 वोल्ट, और आर पहले सवाल का नहीं रखेंगे, जो आपने यहाँ तुल्य प्रतिरोध निकाला है आप उसका रखेंगे, कितना 5 वोल्ट, तो 10/5 बराबर आई, तो फाइनली आपका आ गया I बराबर 2 एम्पियर, कितना आ गया 2 एम्पियर हो जाएगा। फिर देखिएगा, अब परिपथ में तो प्रवाहित धारा हो गई, अब आपसे फिर यहाँ से चर्चा करनी है आपको कि भैया पूछा ए व बी के बीच विभवांतर क्या होगा, तो चूंकि धारा तो आई है वो तो यहाँ समान जाएगी ही, परंतु इसका जो प्रतिरोध है वो कितना ओम है, 2 ओम है, कितना ओम है जी, 2 ओम का प्रतिरोध है, और धारा गई 2 एम्पियर की। तो अब आप निकालिएगा उत्तर अपना, क्या उत्तर आएगा इससे आप मुझे बताइएगा, चलिए देखिए जरा आप उसका आंसर बताइए मुझे क्या आने वाला है। यहाँ पे 2 ओम है और धारा 2 ओम की जा रही है, तो देखिए तीसरा सवाल की चर्चा करिए कि ए व बी के बीच विभवांतर क्या रहेगा, ठीक है, तो ए व बी के बीच विभवांतर पूछा ना आपसे तीसरा सवाल, तो देखिए जरा आप ए व बी का प्रतिरोध क्या है, ए व बी के बीच प्रतिरोध क्या है बताइए, ए व बी के बीच प्रतिरोध क्या है, V बराबर नहीं R बराबर कितना ओम निकाला था आपने पीछे अभी पहले सवाल से, 2 ओम, उसके बाद परिपथ में धारा, चूंकि श्रेणी क्रम है तो परिपथ में धारा तो समान ही रहती है, तो परिपथ में धारा जो I है वो आपकी हो जाएगी 2 एम्पियर की। उसके बाद आपको निकालना है विभवांतर, मतलब समझ लीजिए एक बात ध्यान दीजिए, जब भी दो सिरों के बीच आपको विभवांतर निकालना है तो आप पहले पूरे परिपथ में प्रवाहित धारा निकालिए, पूरे परिपथ में प्रवाहित धारा आई निकालिए जैसे हमने दूसरे सवाल में निकाला, उसके बाद आप जिसके सिरों के बीच निकालना चाहते हैं ना उसके प्रतिरोध को काउंट कर लीजिए कितना है, और फिर यही आई इंटू आर लगा दीजिए, आराम से निकल जाएगा, 2×2=4 वोल्ट, 2×2=4 वोल्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ए और बी के बीच विभवांतर हो जाएगा, तो आगे बढ़े हम लोग, आइए जरा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल कंप्लीट हो गया ना, ये हमारा कंप्लीट हो गया जी, कंप्लीट हो गया, बहुत सुंदर बात है, कंप्लीट हो गया तो आगे बढ़िए, देख लीजिए और सुंदर सवालों को, कुछ सवाल हमारे लिए और इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप बाद में वीडियो को पॉज करके लगा सकते हैं, और अगर आपने समझ लिया होगा तो इसको अपने मन से लगाने का प्रयास करिएगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए, यहाँ से कुछ ऑप्शनल और हैं क्या, ये एक ऑप्शनल सवाल है, इसमें आपको देखना है क्या कह रहा है कि किसी प्रतिरोध R के तार के टुकड़े को 5 बराबर भाग में काट दिया गया है, तो फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर दिया गया है, तो आप बताइए कि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है, तो R/R' का मान क्या होगा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आपको 5 बराबर टुकड़े में आपने काट दिया, समझिए सवाल को, आपको एक तार दिया गया था, इसको आपने 5 टुकड़े में काट दिया, 5ों बराबर थे, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 बराबर टुकड़े में काट दिया आपने, पूरे का प्रतिरोध था R, तो एक एक का प्रतिरोध आपको मैं बता दूं R/5 होता चला जाएगा, R/5 होता चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने इस पहले वाले को माना था R1, दूसरे वाले को माना R2 और तीसरे वाले को माना R3, चौथे वाले को माना R4 और पांचवें वाले को माना R5, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि यन लंबाई का तार, यन लंबाई के तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध जो है
आर है, तो यन लंबाई छोड़ दीजिए, आप छोड़िए, जाने दीजिए, इसको बस इतना देखिए कि तार का प्रतिरोध आर है, तार का प्रतिरोध आर है, तो यन टुकड़े में काटने पर, यन टुकड़े में काटने पर, ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध, प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध, समझिए ध्यान से कितना होगा, आर बट्टे यन होगा, क्योंकि तार आप छोटा करेंगे प्रतिरोध कम हो जाएगा, तो आर बट्टे यन हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रख लीजिए। तो किसी तार का प्रतिरोध आर है तो उसको यन टुकड़े में काट देंगे तो आर बट्टे यन हो जाएगा। वही कहानी मैंने यहाँ पर किया कि प्रतिरोध आपका आर था, प्रतिरोध आपका आर था, क्या था, आर, और आपने उसे पाँच टुकड़े में काटा तो आर बट्टे पाँच, 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 सबका हो गया। अब आपने कहा भैया इनको समांतर क्रम में जोड़ दिया गया, किस क्रम में जोड़ दिया गया, समांतर क्रम, क्योंकि देखिए पार्श्व क्रम लिखा है ना यहाँ पे, पार्श्व क्रम, क्या लिखा है, कहाँ गया जी, पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम में जोड़ा गया। तो आप तुरंत ये काम करिएगा कि पार्श्व क्रम में जोड़ा गया तो तुल्य प्रतिरोध कहा आर डैश हो गया, तो सबको आप जोड़ लीजिए, एक बट्टे क्या हो जाएगा, आर वन, कहाँ मैं लिख रहा हूँ जी, एक बट्टे आर वन प्लस एक बट्टे आर टू प्लस एक बट्टे आर थ्री प्लस एक बट्टे आर फोर प्लस एक बट्टे आर फाइव हो जाएगा। सबकी वैल्यू रख दीजिए, आर वन भी आर बट्टे पाँच था, आर टू भी तो आर बट्टे पाँच था, आर बट्टे पाँच, और आर थ्री भी आर बट्टे पाँच था, आर फोर भी आर बट्टे पाँच था, और ये भी आर बट्टे पाँच था, ठीक है, तो पाँच सबका ऊपर चला जाएगा, पाँच बट्टे आर प्लस पाँच बट्टे आर प्लस पाँच बट्टे आर प्लस पाँच बट्टे आर प्लस पाँच बट्टे आर हो जाएगा ना। तो अब क्या होगा ये देखिए, आर आप लसा ले लीजिएगा, एक बट्टे आर डैश बराबर आर आप ले लीजिए लसा, और पाँच 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 पाँचों बार जोड़ लीजिए, हो गया। तो क्या हो जाएगा आपका, आर इधर नीचे से ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता है, तो आर बट्टे आर डैश बराबर पाँच 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 25 आ गया, कितना गया जी, 25 आ गया, आया कि नहीं आया, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप चले जाइए, देख लीजिए आप, आपको देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आप हमेशा ही ऐसे करेंगे, जितने टुकड़े में काटेगा उसको उतने बट्टे कर दीजिएगा, यन टुकड़े में काटेगा तो आर बट्टे यन हो जाएगा, आर बट्टे यन हो जाएगा, और जो आपका उत्तर है यन गुणे पाँच आ जाएगा, यन गुणे पाँच आ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, यन टुकड़े में काटेगा तो आर बट्टे यन होगा, तो यन 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 कितनी बार जुड़ेगा, यन बार जुड़ेगा, कितनी बार, यन बार, मतलब यन स्क्वायर हो जाएगा जी, तब यन स्क्वायर, ठीक। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि नहीं, जाने दीजिए, कोई फार्मूला मत पढ़िए क्योंकि परेशान हो जाएंगे फार्मूला पढ़ के, बस इतना ही याद रखिए, ये आपके लिए फार्मूला काम का है, किसी तार का प्रतिरोध आर है उसे यन टुकड़े में काट दें, प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध आर बट्टे यन होता है, और फिर यहाँ पे आप ऐसे करते चले जाइए, हो जाएगा, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। और चूंकि जब आप उसको श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो श्रेणी क्रम में सीधे सीधे आर बट्टे पाँच, आर बट्टे पाँच, आर बट्टे पाँच जुड़ता जाएगा, याद रख लीजिएगा, तब आपको आर बट्टे आर डैश नहीं मिलेगा, तब आपको आर इंटू आर डैश मिलेगा, उसका चक्कर आप छोड़ दीजिए, बस आप इसके फोकस करिए। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही मिला जी, 25 मिला ना, 25 ओम, देखिए जरा कौन सा ऑप्शन सही है आपका, 25 ओम, ये वाला सही है, हो जाएगा ना, ध्यान में रखिएगा। चलिए, 25 ओम नहीं, 25 होगा, 25 ओम बोल रहा हूँ मैं, गलत बोल रहा हूँ। चलिए आगे, अगले सवाल पे आइए, लघु पठन में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो कई बार मैं आपको समझा चुका हूँ विस्तार पूर्वक, हैं, फिर पीछे एक सवाल छूटा था क्या हमारा अभी, पीछे एक सवाल, हाँ यहाँ पे आ जाइए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को भैया गर्म करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस, कहा गया भैया इन्हें गर्म कर दो। अरे बेचारा कहता है हमको कितना गर्म करोगे, जिप्सम को बेचारे को गर्म किए थे 120 डिग्री सेल्सियस पर, तब जाके कहीं बना हुआ था हमारा, क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब आप कह रहे हैं कि भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस है गर्म कर दो, अब अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस है गर्म कर देंगे आप, तो जैसे ही ये आपका पहुंचेगा तापमान पे ज़्यादा ऊपर, 120 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, मतलब ज़्यादा ऊपर तक आप गर्म कर देंगे इसको, 120 से ऊपर गर्म कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा,
आपको निर्जल प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाएगा। याद रखिएगा 120 से ऊपर आप गर्म करिए, क्योंकि 120 तक गर्म किए थे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बना था, और अगर 120 से भी ऊपर गर्म कर दीजिए तो बेचारे बचा खुचा जलो बाहर निकल जाता है। मतलब ये कहता है बच्चे की जान लोगे क्या, तो जब आपका मन कर रहा है जान लेने का तो ले लीजिए। तो इसे आप कहेंगे निर्जल कैल्शियम सल्फेट, निर्जल कैल्शियम सल्फेट, याद रख लीजिएगा यही इसका रिएक्शन होगा, निर्जल कैल्शियम सल्फेट। ठीक, ध्यान में रखिए, तो डरने वाली बात नहीं है, आराम से पढ़ते जाइए, सब तैयार होगा आपको, ठीक है ना। बस इनको देखते जाइए, पढ़ते जाइए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को बस सीधा सा सोचिए ना, कि गर्म करेंगे तो किसी चीज़ को गर्म करने पे जल बाहर निकल जाता है, तो जो बचा हुआ जल है वो भी निकल जाएगा। 120 तक गर्म किए तो 3/2 हिस्सा कल की क्लास में निकला था, आज जो 1/2 बचा है वो बेचारे का निकल गया है। चलिए अब देख लीजिए इसमें आगे क्या कह रहा है भैया। आगे कह रहा है खानिक सोडा है उसको गर्म कर रहे हैं। खानिक सोडा का सूत्र बताइए तो, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा को हम क्या बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। आ जाइए जरा, तो देखो सोडियम बाई कार्बोनेट खाने का सोडा है, खाने का सोडा है NaHCO3। जब भी आप इसको गर्म करेंगे तो ये धड़धड़ाता हुआ फिर से अपना Na2CO3 बना लेगा, और प्लस H2O प्लस CO2, ये है आपका सोडियम कार्बोनेट, ये है आपका खाने का सोडा, खाने का सोडा। फिर से अगर मान लीजिए कि आपको और रिएक्शन आगे पूछ ले, कि कह दे खाने का सोडा से धावन सोडा बनाओ, खाने का सोडा से धावन सोडा बनाओ, तो आप इसी सोडियम कार्बोनेट में प्लस में 10 अणु जल लिख दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं प्लस में 10 अणु जल लिख दीजिए, तुरंत ही ये बन जाएगा आपका Na2CO3 × 10H2O, सोख लेगा उसको 10 अणु जल को, और इसी को आप कहेंगे धावन सोडा। तो देखिए खाने का सोडा से धावन सोडा बन गया कि नहीं बन गया, ये बात को याद रख लीजिएगा आप। तो देखिए कितना आसान सवाल है, दिमाग आप थोड़ा सा लगाएंगे आराम से हो जाएगा। तो आप प्रेशर मत लीजिए, नॉर्मली चीज़ों को पढ़िए, हैंडल करिए उसको, आराम से समझेंगे। चलिए लास्ट सवाल है आज का, कह रहा है कि खनिज और अयस्क की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, खनिज और अयस्क की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। बताइए जरा आप, खनिज क्या है, अयस्क क्या है? देखिए खनिज क्या है, अयस्क क्या है, ठीक है। तो पदार्थों को जिस अवस्था में जमीन से खोदकर निकाला जाता है उन्हें खनिज कहते हैं, पदार्थों को जिस अवस्था में जमीन से खोद कर निकाला जाता है उन्हें हम खनिज कहते हैं, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। अगर पूरी परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिखिए धातुएं, धातुएं भूपर्पटी में जिस रूप में पाई जाती हैं, जिस रूप में पाई जाती हैं, जिस रूप में पाई जाती हैं उसे ही हम खनिज कहते हैं, उसे ही हम खनिज कहते हैं, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। धातुएं जिस रूप में भूपर्पटी में पाई जाती हैं उसे ही हम खनिज कहते हैं, और धातुएं सामान्यतया जानते हैं भूपर्पटी में अपने यौगिक बनाकर रहती हैं, कुछ लोग स्वतंत्र भी रहते हैं जो बहुत कम क्रियाशील हैं, याद रख लीजिएगा वो लोग स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, जैसे कॉपर AgAu, कॉपर AgAu और Pt, ध्यान दीजिएगा कॉपर AgAu, कॉपर मैं बोल रहा हूँ जी, कॉपर तो कुछ पाया जाता है, कॉपर छोड़ दीजिए, AgAu और Pt लिख लीजिए, AgAu और Pt जमीन में भी स्वतंत्र अवस्था में ही पाए जाते हैं। किस अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में, क्यों, क्योंकि ये बहुत कम क्रियाशील हैं, बहुत कम क्रियाशील हैं, ये बात को ध्यान में रखिएगा, या कि कॉपी में लिखवाया गया है, याद रखिए। बाकी जो क्रियाशील वाले हैं वो सब के सब अपने यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। तो धातुएं जिस रूप में भूपर्पटी में पाई जाती हैं उसे ही हम खनिज कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, हो जाएगा ना। उसके बाद जैसे मैं दो उदाहरण लिखता हूं, जैसे एल्यूमिनियम के खनिज, दो खनिज मैं लेता हूं, एल्यूमिनियम के खनिज मैं एक लेता हूं बॉक्साइट, मैं एक लेता हूं क्ले, दोनों एल्यूमिनियम का खनिज है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बॉक्साइट का सूत्र देख लीजिए, Al2O3 × 2H2O हो जाएगा। उसके बाद क्ले का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Al2O3
SiO2 अर्थात इसमें सिलिका या रेत भी मिल जाती है, तभी तो इसे मृत्तिका या क्ले भी कहा गया है, मृत्तिका या क्ले कहा गया है। तो बॉक्स एल्यूमिनियम के दो खनिज हैं, एक बॉक्साइट है और एक क्ले है। तो अब अयस्क पूछ रहा है ना आपसे, अयस्क। तो देखिए, धातुएं जिस रूप में भूपरपट्टी में पाई जा रही हैं उन्हें खनिज कहते हैं, उन्हें खनिज कहते हैं, जैसे यहाँ पे है। परंतु लिखिएगा नीचे, परंतु जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण सरलता पूर्वक और कम खर्चे में किया जा सकता है, जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण सरलता पूर्वक और कम खर्चे में किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, बोलिए तो आप, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अयस्क कहते हैं, उसे हम अयस्क कहते हैं। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा, गांठ बांध लीजिएगा, खोपड़ी में घुसा लीजिएगा, चाहे जैसे कर लीजिए, लेकिन पढ़ लीजिए इसको, ठीक है? अयस्क कहते हैं। जैसे जैसे आप लिखेंगे, जैसे बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण सरलतापूर्वक और कम खर्चे में हो जाता है, इसलिए एल्यूमिनियम को बॉक्साइट का अयस्क कहते हैं। सॉरी, बॉक्साइट को एल्यूमिनियम का अयस्क कहते हैं, उल्टा नहीं बोलना है, बॉक्साइट को एल्यूमिनियम का अयस्क कहते हैं। जबकि क्ले से आसानी से नहीं हो पाता है, इसलिए क्ले बेचारा खनिज ही रह जाता है। क्ले बेचारा क्या रह जाता है? खनिज ही रह जाता है। मतलब बताइए, अयस्क मिलता कहाँ से है? अरे उसी खनिज को ही अयस्क कहा जाता है। अर्थात अगर अयस्क है तो वो खनिज जरूर होगा, याद कर लीजिएगा। लेकिन क्या खनिज है तो अयस्क भी होगा क्या? नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है? तो इसलिए याद रख लीजिए, इंडिकेट पॉइंट अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, ठीक है ना? ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग बाकी का काम कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए। बाकी का काम हम कल की क्लास में करेंगे। देखिए, मेरा अलार्म बज गया, कोचिंग जाने का टाइम हो गया। धन्यवाद।